हेलो गाइस, दिस इज 15th of March 2017, द हिंदू डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। सो लेट्स सी व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन टुडेज न्यूज़पेपर। फर्स्ट न्यूज़ इज पारिकर टेक्स ओथ इन गोवा एज सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस कांग्रेस प्ली। इन दिस न्यूज़पेपर आपको ये देखना है कि व्हाट इज द गवर्नर्स रोल एक्चुअली इन दिस लास्ट वन ईयर फ्रॉम लाइक 2016 भी अगर इंक्लूड करें, तमिलनाडु में कॉन्ट्रोवर्सी हुई, उत्तराखंड में कॉन्ट्रोवर्सी हुई, फिर अरुणाचल प्रदेश में कॉन्ट्रोवर्सी हुई। तो यू हैव टू सी कि वट इज़ द गवर्नर्स रोल। तमिलनाडु में द गवर्नर्स डिसीजन टू डिले दी यू नो ओथ टेकिंग सेरेमनी और टू डिले दी एंटरटेनमेंट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम दी फ्रॉम शशिकला, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए अगर एनालाइज करके देखेंगे तो गवर्नर के रोल पे एक क्वेश्चन मेंस में बनता है। एंड सेकेंडली प्री में भी गवर्नर पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ हैपेंड मैनी अ टाइम्स, जब जब मेंस के टॉपिक्स पे इतनी ज़्यादा डिबेट हुई है तो प्री में क्वेश्चन हैज़ बिन आस्क फ्रॉम देयर। तो ये न्यूज़ आगे कॉन्टिन्यू है, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे पेज नंबर 10 पे। अब आगे चलते हैं इस पे। बीजेपी कंबाइन इनवाइटेड टू फॉर्म गवर्नमेंट इन मणिपुर। मणिपुर का भी आपको देखना होगा कि मणिपुर में व्हाट इज़ द सिनेरियो, हाउ इज दिस लॉ एक्टिंग। इसके चलते एक एंटी डिफेक्शन लॉ पे भी एक क्वेश्चन बनता है। बार बार मैंने पहले की पेपर में भी कहा है 9, 10, 11, 12 मार्च के हिंदू के एनालिसिस में कि एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिपेंडेंट मेंबर्स पे अप्लाई नहीं होता है, दिस इज़ द लेकुने। और ये जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं एंटी डिफेक्शन लॉ इनमें भी काम नहीं कर रहा है। दो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, बट इफ़ वी सी द वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी उस पर ये एक टॉपिक निकल के आता है, एक तो गवर्नर्स रोल और एक एंटी डिफेक्शन लॉ एंड इंडिपेंडेंट MLAs एटलीस्ट इन MCQs। और ये एक न्यूज़ है ऑन कंप्यूटिंग एबिलिटी, रूरल इंडिया इज लॉस्ट इन द वुड्स, जस्ट 8.8% ऑफ पॉपुलेशन कैन यूज PCs और स्मार्टफोन्स। तो ये एक स्टडी है NSSO के द्वारा ही की गई है 2014 में, जो पहले करी गई थी। उसके रिगार्डिंग कंप्यूटिंग एबिलिटी वाज डिफाइंड एज यूजर्स एबिलिटी टू ऑपरेट अ डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप और नोटबुक। तो इसमें मतलब रेलेवेंट है भी या नहीं भी, बट हम डिजिटल लिटरेसी की अगर बात करें इन द लाइट ऑफ दी अभी जो गवर्नमेंट ने करंट इनिशिएटिव्स लिए हैं डिजिटल लिटरेसी को चलते, डिजिटल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो बीच में जो तालमेल बैठाने की कोशिश करी गई है उसके लाइट में दिस इज इम्पॉर्टेंट। बाकी फर्स्ट पेज पे और कुछ नहीं है। मूव ऑन टू पेज 3। पेज 2 में कुछ नहीं था इसलिए स्किप कर दिया। गवर्नमेंट टू बाय पोटेटोज फ्रॉम फार्मर्स टू स्टॉप सुइसाइड्स। अब ये आपको एग्रीकल्चरल प्राइस मार्केटिंग कम्युनिटीज से रिलेटेड देखना होगा कि इतनी ज़्यादा बम्पर क्रॉप हो जाती है, कभी कभी कृषि ये एकदम से मतलब आलू के दाम बढ़ने लगते हैं। तो यू हैव टू सी दी डिमांड सप्लाई यू नो मैकेनिज्म ऑफ पोटेटोज और एनी अदर पेरिशेबल गुड। थोड़ा सा कीप इट इन माइंड दैट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज डूइंग दिस आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू, मिड डे मील और इनके थ्रू इन्होंने ये किया है। दिस इज गुड फॉर यू नो काइंड ऑफ इंटरव्यू या कभी भी किसी भी स्टेज पे प्रिपरेशन पे काम आ सकता है। और मेजर पोर्शन ऑफ इंडो बांग्ला बॉर्डर फेंस्ड सेज स्टेट होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्रॉम फॉर होम अफेयर्स। ये इंडो बांग्ला बॉर्डर के ये इसलिए आया है बिकॉज एक तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अभी आई है रिसेंटली कि ये जल्दी से जल्दी बांग्लादेश के बॉर्डर पे फेंसिंग करी जाए, सो एज टू प्रिवेंट इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश साइड। तो ये PIP रिलीज का इन्होंने जिक्र किया है, तो ये प्लीज़ इस डेट की PIP रिलीज भी आप देख लें तो बेटर रहेगा। दैट इज़ ऑल इसमें पेज 3 में और कुछ नहीं है। अब कमिंग टू पेज 7 डायरेक्टली, 4, 5, 6 में नथिंग एट ऑल, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन पेज 4, 5 एंड 6। नो आधार, नो स्कॉलरशिप, पेज 7 की पहली क्लिपिंग है ये। ये हमें इस लाइट में देखनी है कि इन्होंने इस क्लिपिंग में ही जिक्र किया है इटसेल्फ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी येट टू रूल वेदर द आधार स्कीम इज एन इन्वेजन ऑफ सिटीजन राइट टू प्राइवेसी। इट हैज़ ओनली अलाउड इट टू बी यूज फॉर सब्सिडीज अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग LPG सिलेंडर्स। अगर प्री के लिए क्वेश्चन आए या मतलब जस्ट कीप इट इन माइंड, बट द गवर्नमेंट इज फास्ट प्रोसीडिंग अहेड विद यू नो कीपिंग मेकिंग इट मैंडेटरी, मेकिंग द आधार कार्ड मैंडेटरी, आधार एनरोलमेंट मैंडेटरी फॉर वेरियस स्कीम्स, नो स्कॉलरशिप जैसे कि इन्होंने बोल दिया। तो ये एक बैकडोर यू नो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ आधार है, तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। पहले HRD मिनिस्ट्री ने कुछ नोटिफिकेशन किया था, जस्ट थिंक कि अगर मतलब अभी मेन से पहले, वैसे तो 2017 से पहले जजमेंट आ जाएगी, बट प्रीज के लिए ये रेलिवेंट है। मूविंग फॉरवर्ड नथिंग है। पेज 8 डायरेक्टली कम टू एडिटोरियल्स। देन ये एडिटोरियल आज के इसमें काम का है, मुझे इसमें रिफ्लेक्शंस ऑन द इलेक्शन ऑफ आर टाइम नथिंग, मुझे कुछ काम का इसमें लगा नहीं।
फ्रेश स्टार्ट इन पंजाब, इसमें ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम है और फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम है पंजाब में, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड ऑल, तो ये आप देख सकते हो इसमें। बाकी इसमें कुछ रेलेवेंट है नहीं इस पेज में। ऑन द रॉक्स आप देख सकते हो, अ सेकेंड रेफरेंडम ऑन इंडिपेंडेंस में नॉट बी इन द स्कॉटलैंड बेस्ट इंटरेस्ट, दिस यू हैव टू गिव अटेंशन टू। स्कॉटलैंड में क्या चल रहा है अभी, लंदन में ब्रेग्जिट हुआ और ये जो वेव चल रहा है इन अ वे रेफरेंडम वेव, तो जस्ट कीप दीज यू नो थिंग्स इन माइंड यूरोप से रिलेटेड। दिस ऑपेड पेज पे रिटन बाय यू नो श्याम सरन, द फॉर्मर सेक्रेटरी, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो दिस दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट इन द लाइट ऑफ द फैक्ट कि ये लिखा इनके द्वारा गया इंडिया यूएस पे, अर्ली विजिट ऑफ पीएम मोदी टू यूएस, हाउ कुड लाइक, ये इन्होंने बताया कि क्या अभी डायनामिक्स हैं आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप केम टू पावर। तो ये फटाफट पढ़ दीजिएगा, 10-15 मिनट का एडिटोरियल होगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इंडो यूएस रिलेशन, द फ्यूचर ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन, चाइना के प्रिज्म के थ्रू इंडिया यूएस रिलेशन को जो हमेशा देखा जाता है हर एडिटोरियल का, वही थीम है। बट मसूद अजहर की जो डिबेट है वही सब एनालाइज कर रहे हैं इसमें। मूविंग फॉरवर्ड, ये एडिटोरियल अच्छा लगा कि डिसेबिलिटी लॉ जो हमने नया बनाया है तो उसके चलते ये क्या है, इसमें कितनी एक्सेसिबिलिटी है, अभी भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं जो कि डिसेबल्ड लोगों की पहुंच के बाहर हैं। इन द लाइट ऑफ ऑल दिस दिस एडिटोरियल इज़ अ गुड पीस, यू कैन रीड इट। देन पेज नंबर 10 पे, सुप्रीम कोर्ट अलाउज गोवा स्वेयरिंग इन ऑर्डर्स थर्सडे फ्लोर टेस्ट। ये इसमें ज़्यादा ये है कि एक तो फ्रॉम पेज 1 पारिकर टेक्स ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, इसमें वी हैव टू सी द प्रेसिडेंट्स, गोवा की असेंबली में पहले भी ऐसा बहुत बार होता है, फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट एंड ऑल। ये एक वे में अगर आप देखें एंटी डिफेक्शन लॉ में एक ये है कि छोटी स्टेट्स पे ये इतना कारगर साबित नहीं हो रहा है, जिसके चलते छोटी स्टेट्स में इट्स इजी टू बाय 7 to 9 MLAs, और यू नो ये डाउट भी नहीं होना चाहिए इन अ डेमोक्रेसी की खरीद फरोख्त हुई है, दैट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर MLAs की, इंडिपेंडेंट MLAs की या किसी छोटी पार्टी को वोट मिला है, अगर वो बाद में जाके बड़ी पार्टी को मर्ज कर बड़ी पार्टी में मर्ज हो जाती है, तो वो एक जो एसेंस था आपके वर्डिक्ट का, जनता ने जो वर्डिक्ट दिया, जो इलेक्शन में मैंडेट दिया, उसको आप थॉट कर देते हो। तो इन द लाइट ऑफ दिस थिंग यू कैन यू नो एनालाइज दिस थिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टांस था, पहले ऐसा कब हुआ, उत्तराखंड में हुआ, गोवा में पहले भी ऐसा होता रहा है, ऐसा नहीं है कि दिस टाइम इट हैज हैपेंड। पहले भी जिस पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स मिली हैं उन पार्टीज को इम्पोर्टेंस नहीं दे के इन पार्टीज को इम्पोर्टेंस दी गई है, जो जो कि दोज हु क्लेम टू फॉर्म द स्टेबल गवर्नमेंट। तो ये कब से चल रहा है गवर्नर की रूलिंग्स में, गवर्नर लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी को एंटरटेन नहीं करते हैं, बट उनको एंटरटेन करते हैं दोज हु क्लेम टू यू नो फॉर्म द स्टेबल गवर्नमेंट। तो इस स्लाइड में आपको ये देखना होगा। ये इसके बाद यही आज के पेपर में इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे इज दिस ओनली। देन बीजेपी कंबाइंड टू फॉर्म गवर्नमेंट इन मणिपुर, मणिपुर में भी वही सेम हो रहा है, सम अदर पार्टी हैज यू नो ये खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग और ये सब। तो दिस थिंग इज हैपनिंग, हॉर्स ट्रेडिंग बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ तब काम में आता है जब हाउस असेंबल हो गया, बट यहाँ पे ये हो रहा है कि वट टू डू, हाउ टू कंट्रोल दिस थिंग, जो कि इलेक्शन के बाद जो मैंडेट आ रहा है। रूरल इंडिया पुअर इन कंप्यूटिंग एबिलिटी, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ फर्स्ट पेज, ये मैंने बताया कि इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन लोकसभा क्लियर्स अमेंडेड एनिमी प्रॉपर्टी बिल, इसमें इतनी डिटेल्स नहीं है, जो लोग स्टार्टिंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं एनिमी प्रॉपर्टी बिल को, एनालाइज को, जो लॉ ये पास हो रहा है वो प्लीज़ PRS पे जाके, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च पे जाके इसका डिटेल्ड एनालिसिस कर लें, ये है क्या, ये एनिमी प्रॉपर्टीज़ का यू नो ये ऐसे ये कहाँ से ओरिजिन में आया ये टर्म हमारे इंडिया में, वीज़ा भी पाकिस्तान इसका यूज़ होता है कि जिन एनिमीज़ की हमारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे रह गई थी वो हम वापस देंगे नहीं। अब ये PRS लेजिस्लेटिव जिन्हें यूज़ नहीं करना आता, वो एक मैंने पहले वीडियो बनाया हाउ टू यूज़ PRS India.org फॉर UPSC प्रिपरेशन, दे कैन हैव अ लुक एट इट। दिस इज ऑल्सो अनदर यू नो कंसेंशियस न्यूज हेयर, इंट्रोस्पेक्ट ओवर सुकमा, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ये कल के राज्यसभा के टीवी डिबेट्स में, लोकसभा के टीवी डिबेट्स में, जिन लोगों के पास आर्काइव हों या कहीं और पढ़ सकते हैं उनकी समरी, वो ये पढ़ लें। और AIRFM पे भी इसका एनालिसिशन था कि कैसे ये इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, क्या पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस के पास में क्या क्या चीज़ें लैकिंग हैं, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं उनकी ए ग्रेड की नहीं है, वो होनी चाहिए, और एंटी माइन डिटेक्शन सिस्टम, माइन डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं है, और ये कैसे बढ़ रही हैं। दिस नेक्सलिज्म इज
बिगेस्ट थ्रेट इन इंडिया देन टेररिज्म, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ये रेड कॉरिडोर बढ़ते जा रहा है, कितने इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दिस इज ऑल इन दिस। अब अनसर्टेनिटी इन साउथ ब्लॉक, मिनिस्ट्री इज सेइंग, यू नो आर्मी ऑफिशियल्स आर सेइंग ऑफिशियल पारिकर्स एग्जिट कुड नॉट हैव कम एट अ वर्स टाइम फॉर मिनिस्ट्री। ये जो गोवा में उनका अब सीएम बन गए हैं डिफेंस मिनिस्टर हमारे, उनके चलते ये क्या है कि ही वॉज क्वाइट यू नो वोकल इन सीकिंग द ग्रांट्स फॉर द डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस आउटलेस जो बजट आउटलेस बढ़वाने में इनके काफ़ी खूबी रही थी, और मोराल बूस्टर ही वॉज फॉर द आर्मी। सो इन दैट सेंस दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, यू कैन यू नो थिंक ओवर इट कि हाउ टू यूज दिस, बट यूजेज वाइज कुछ नहीं है, बट द एजेंडा ही वॉज परसुइंग दैट इज ऑल इम्पॉर्टेंट। जेटली जेटली टेक्स अप एडिशनल चार्ज, इसमें भी कुछ नहीं है। देन कमिंग टू नाउ, फेक रुपीज 2000 नोट्स टर्न अप लाइक अ बैड पेनी, ये पढ़ सकते हैं आप। 2000 नोट्स के 2000 के नोट्स जो ये फेक करेंसी आना शुरू हो गया है, दैट्स ऑल। अब गूगल सर्च लीड्स टू ये नथिंग नथिंग। कमिंग टू पेज नंबर 12, ईयू रिलीजियस साइंस बैन स्पार्क्स आउटरेज, राइट्स ग्रुप्स रेज कंसर्न आफ्टर कोर्ट रूल्स दैट एम्प्लॉयज कैन बैन स्टाफ फ्रॉम वेयरिंग सच सिंबल्स। तो ये बुरका क्लैड और वो सब पे ये डिबेट जो चलते रहता है, फ्रांस में चला पहले, अब यहाँ पे चल रहा है। यूके पार्लियामेंट क्लियर्स वे फॉर ब्रेक्सिट टॉक्स, ये ब्रेक्सिट का जो फॉर्मल इनका चल रहा है अभी, दे आर कंटिन्यूइंग आर्टिकल 50 बाय द एंड ऑफ मार्च एज प्लान, रेफरेंडम क्या था इनका, ये जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी सही है, और जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको भी एक बार पढ़ लें, क्योंकि WTO के रूल्स के साथ में कुछ कुछ क्लैशिंग है, दैट ऑल नीड्स टू बी सीन ओवर हियर। चिल्ड्रेन अंडर अटैक एज अ सिविल वॉर इन सीरिया, दिस इज यू नो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ सिविल वॉर ऑफ सीरिया का जो भी चल रहा है, ये फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है कि इम्पैक्ट ऑफ यू नो यू कैन साइट इट, जो पॉलिटिकल साइंस ऑफ ये इंटरनेशनल रिलेशंस वाले जो ऑप्शनल वाले लोग हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अदरवाइज ऐसे वगैरह के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, द इम्पैक्ट ऑफ सिविल वॉर ऑन चिल्ड्रन। तो दिस इज गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हेयर फॉर यू। रशिया डिप्लॉय स्पेशल फोर्सेज इन इजिप्ट, छोटी सी न्यूज़ है ये पढ़ लें, बिकॉज यू नो इट लेटर ऑन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फॉलो जब एकदम से सिक्स पार्टी टॉक्स आ जाती हैं। तो आई हैव ऑलरेडी बीन सेइंग इन 13th मार्च के एनालिसिस में, 9th के भी, 12th के भी, कि ये जो सीरिया और इनसे रिलेटेड जो जो छोटी सी न्यूज़ आती रहती है, इट इज़ ईजियर टू गेट ग्रिप ओवर इट देर एंड देन इटसेल्फ, बाद में फिर वो बहुत हॉच पॉच हो जाता है। देन फूड एंड फ्यूल प्राइजेस पर एक्सेलरेशन इन इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, फूड का इनमें वेटेज कितना है, CPI, हम तो रिटेल में कैसे इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सब क्यों बढ़ रहा है। पॉलिसी फ्रंट, वी एक्सपेक्ट RBI टू लीव रेट्स अनचेंज थ्रू आउट दी 2017, ये कोई वॉइस है लाइक बिजनेस कम्युनिटी से। प्राइमरी आर्टिकल इन्फ्लेशन इन WPI एक्सेलरेटेड टू 5% इन February, सो दिस थिंग इज देयर। देन नथिंग इन दिस, नथिंग मच। मूविंग फॉरवर्ड टू 14 पेज, जो जो पेजेस काम के नहीं है मैंने स्किप कर दिए, सो डोंट थिंक कि मैंने उसमें मेरे न्यूज़पेपर में पेजेस पूरे नहीं थे, ऐसा नहीं है, जो पेजेस काम के नहीं थे वो मैंने उड़ा दिए हैं बीच में से, सो दैट वी कैन टॉक ओनली अबाउट द रेलेवेंट पीसेज। ब्रिक्स टू डिस्कस स्टेप्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट, कोऑर्डिनेशन ऑन ई कॉमर्स इशूज ऑल्सो एन एजेंडा, सो ई कॉमर्स के चलते WTO ये सब इसके बारे में है। इन जुलाई 2016 अंडर चाइनीज G20 प्रेसिडेंसी, दे सेड इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, चाइना हैज ऑल्सो बीन एट द फॉरफ्रंट ऑफ अ प्रपोजल फॉर ग्लोबल पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन एट द WTO। सो ये WTO से ब्रिक्स का इंटरलिंकेज विद रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स ट्रेडिंग, सो WTO लेवल फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पैक्ट इन दैट दैट कॉपरेट्स द कंटेंशियस एंड इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, ISDS के बारे में यहाँ पे पढ़ लेना, और फ्रेंड्स डू सर्च ऑन गूगल फॉर दिस थिंग, आई हैव रेड इट, आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट थिंग, मैं अपने वीडियो पे एक घंटे का वो वीडियो होगा सेपरेट ऑन WTO ऑन दिस थिंग, तो वी विल टॉक एग्जॉस्टिवली अबाउट दिस थिंग। अभी के लिए यू मेक डू विद दिस न्यूज इटसेल्फ ओनली। दैट वॉज ऑल। 18th में एक न्यूज थी, दैट वॉज यस UK क्रूज शिप डैमेजेस इंडोनेशियन कोरल रीफ, या इंडोनेशियन कोरल रीफ कौन सा था, क्या था इसका नाम, एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये पढ़ सकते हैं, बाकी इतना कुछ इसमें भी नहीं है। सो दैट वॉज ऑल इन टूडेज न्यूज़ पेपर, टोटल 11 पेजेस हैं जो आपको पढ़ने हैं, 14-18 ये देख लीजिएगा अच्छे से। आज के न्यूज़ पेपर के एडिटोरियल कुछ ज़्यादा काम के नहीं है, सो नॉट मच ऑफ टास्क फॉर यू एट दिस टाइम। आई वुड रिकमेंड कि पहले के जो पेपर्स थे 11, 12, 13, 14 के,
आज के दिन में उनके एडिटोरियल्स, उनका एनालिसिस जो जिनका रह गया हो वो अच्छे से कर लें। बाकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये गवर्नर वाला इशू है उस पे आई विल कम आउट विद अ सेपरेट वीडियो। थैंक यू गाइस, होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज शेयर द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन इन द यूट्यूब वीडियोस। थैंक यू।